ठीक है सर, आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। पहला टॉपिक का था चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस। साथियों लास्ट चैप्टर की भी या लास्ट दिन भी गल की थी कि सॉल्यूशन की होंगे होंगे। असं देख रहे हैं कि सॉल्यूशन की ने एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर। लोग आप कहते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस सॉल्युबल इन सर्टेन लिमिट्स। सॉल्युबल इन सर्टेन लिमिट्स। तो साथियों जी गल लास्ट से बड़ी सूही गल कि सॉल्यूशन की होता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर होता हूँ। पहली गल दो सबस्टांस दो घुलदियां ने इन सर्टेन एलीमेंट लिमिट्स। फिक्स नहीं लिखा मैं, फिक्स लिमिट लिखता इट मीनस फिर तो की हो जाना अपने को कंपाउंड हो जाना सी। पर सर्टेन लिमिट यही भी उम्मीद घुल जावे आप, परंतु दैट इज की है कोई डेफिनेट मात्रा पा के आप घोल सकते हैं। तो असं कहे कि उस टाइम पर होमोजीनियस मिक्सचर बनूंगा उन्होंने कहे आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मुख्य तौर दो गल होंगी साथियों। सॉल्यूशन कितों मिलकर बनता, दो चीज़ों को मिलकर बनता, एक होंगे गा सल्यूट तो दूजा होंगे गा सॉल्ट। सॉल्यूशन दो गल होंगे ने, एक सल्यूट होंगे साथियों की होंगे एक सॉल्वेंट। बट ये सल्यूट सॉल्यूशन के जिहदी मात्रा घट होंगी है, मात्रा घट तो की है गा सल्यूट। जिहदी मात्रा ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो की होगा सॉल्वेंट होगा। गुड, मैं मान लो खंड से पानी को मिक्स कर लिया। सानू पता पानी की मात्रा हमेशा खंड नाल तो ज्यादा हो ना, ये तो नहीं हो खंड ज्यादा पानी घट। जो खंड ज्यादा पाती पानी घट पाता फिर तो सॉल्यूशन तो बनते नहीं हो। तो हमेशा खंड के पानी जो पानी की मात्रा की होगी ज़्यादा, खंड की क्यों घट। इट मीनस खंड का काम करूगी सल्यूट का, तो पानी का काम करूगा सॉल्वेंट का। साथियों की करूगा काम करो सल्यूट सॉल्वेंट के बेस से साढ़े को टोटल 9 तरह के सल्यूशन। सल्यूशन इज ऑफ 9 टाइप्स। सल्यूशन इज ऑफ 9 टाइप्स। सल्यूशन को 9 तरह के होंगे ने। किमें किमें होंगे सल्यूट ते सॉल्वेंट। नौ तरह के ने सल्यूट सॉल्वेंट। एक बारी मान लिया सल्यूट की है सॉलिड है, एक बारी मान लिया लिक्विड है, एक बारी मान लिया की है गैस। इनू पाया की च गैस, गैस की मात्रा ज़्यादा उस सॉलिड पा लिया, उस लिक्विड पा लिया, उस की पा लिया गैस। एग्जाम्पल हवा च की मात्रा मिट्टी डस्ट पार्टीकल, डस्ट पार्टीकल जोड़े होगा हवा के मात्रा क्यों घट होना, हवा की मात्रा की होगी ज़्यादा, यदा मतलब की हो गया सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इन बोला की जाऊगा क्वेश्चन आऊगा कि डस्ट पार्टीकल हवा जो देता होंगे कादी एग्जाम्पल कि सॉल्यूशन आऊ। असं कहे सॉलिड की मात्रा घट आ, गैस की मात्रा ज़्यादा, इट मीनस की हो गया डस्ट पार्टीकल सॉलिड इन की हो गए गैस। दूजे नंबर पर गैस इन गैस तो बहुत ही ने जी अपन हवा, ये ऑक्सीजन भी आ, ये नाइट्रोजन भी आ, ये हाइड्रोजन भी है, बहुत सारे गैसा ने। यह मतलब कि एग्जाम्पल होगी गैस इन गैस की एग्जाम्पल होगी। वाटर वेपर इन गैस, तुम्हें पता गैसा के अंदर कि पानी की मात्रा बाष्पीकरण हो रहा, दैट मीन जो गैसा च पानी की मात्रा भी हैगी का एग्जाम्पल होगी लिक्विड इन गैस। ध्यान रखना ये गल, क्वेश्चन ये बनूगा जब आप टेस्ट तैयारी जा रहे हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उस क्वेश्चन ए बनूगा क्वेश्चन होगा डस्ट पार्टिकल्स का एग्जाम्पल ने गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड। तो भाई याद रखनी गलत बात कि एग्जाम्पल बन गए। हो सकता साढ़े को सल्यूट गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, पाए जा लिक्विड के पाए जा।
तीन किस्म आ सी, तीन किस्म की हो गई, ये हो गई गैस लिक्विड च पाई जा सकती है। हाँ जी कोक पीने कोक च की होंगे गा सीओ टू गैस पाई जाती है कि पानी सीओ टू की मात्रा की होंगी हैगी घट होंगी है गैस की, तो पानी की मात्रा की होंगी है ज़्यादा होंगी। लिक्विड इन लिक्विड शराब पीते बंदे तो की करते आप इथेनोल भाव शराब न ध्यान रखियो शराब का साइंटिफिक नाम की है इथेनोल ध्यान समझ गल अलकोहल जी होंगी भी पीने वाला शुरू करते इथेनोल कहते हैं। इथेनोल की पाता पानी पाता तो की बन गया वो मिक्सचर सोल्यूशन बन गया कि होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड लिक्विड का पसंद की हटे हैं फंड पाते पानी के नमक पाता साल्ट इन वाटर नमक पाता पानी कारी एग्जाम्पल हो गई हो सॉलिड इन लिक्विड की एग्जाम्पल। तीजा की है साढ़े को हो सकता कि सल्यूट पार्टिकल्स पाए जाए सॉलिड गैस लिक्विड सॉलिड पै सकते हैं कि सॉलिड ये अगलिया तीन किस्म आ गई गैस के पार्टिकल की सॉलिड पै सकते हैं। हाँ आंसर है आप प्लस पढ़ा करेक्शन पढ़ा दैट इज कॉल्ड अडजॉर्प्शन अभी पढ़ा हले प्लस वन से नहीं पता है गलत प्लस जब एक प्रक्रिया पढ़ा अडजॉर्प्शन जी असी सॉलिड के उपरले पास कि पार्टिकल पास करवावे गैस के पास तो वो अडजॉर्प्शन की जी प्रक्रिया वो च हो की रहा गैस के पार्टिकल की फस रहे हैं सॉलिड च फस रहे हैं यदा मतलब की एग्जाम्पल हो गई गैस इन सॉलिड की एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी हो सू फिर पेपर जो आई है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म इट इज़ अ चारकोल चारकोल एक चीज़ होंगी है साथी की हों चारकोल जो ना खदाना होंगे ने धुएं वाली तो उत्थे की करते हैं जो विज्ञानी ज इंजीनियर होंगे ने मूँह से ना एक चारकोल लैके चलते नक् पर एक हैलमेट लग्या होंगे तो मूँह पर एक चारकोल लग्या होंगे जो सह लैणगे तो चारकोल की करूगा जिन्नी भी पॉइजनस गैसा हो अपने आप से की करा लूगा अडजॉर्ब करा लूगा जो सह लवेंगे अंदरले पासे कि हवा जाऊगी साफ हवा जाऊगी तो चारकोल से की हो जाएगियां गैसा की हो जाएगियां बॉन्ड बना लेनगियां गैसा की मात्रा घट हो चारकोल की मात्रा की होगी ज़्यादा की एग्जाम्पल होगी गैस है ना सॉलिड की एग्जाम्पल। लिक्विड सॉलिड च पाया जा सकता हाँ इको एग्जाम्पल आई मेन आ मरकरी मरकरी लिक्विड होंगी तुम्हें पता होना मरकरी इको एक नॉन मैटल आ जिहड़ी की होंगी है कि लिक्विड होंगी सही बोलिया मैं सही बोलिया नहीं मैं गलत बोलती मरकरी नॉन मैटल नहीं मरकरी इको एक मैटल ध्यान रख मरकरी इको एक मैटल आ जिहड़ी की होंगी है कि लिक्विड इन फॉर्म बाकी सारिया मैटल की होनगियां सॉलिड होनगियां इको ही मैटल आ जिहड़ी की होंगी है लिक्विड होंगी है वह कि होंगी है मरकरी जिवें क्वेश्चन आया कि नॉन मैटल आ जिहड़ी लिक्विड होंगी आम तौर पर नॉन मैटल की होंगे ने गैसा होंगे ने कि नॉन मैटल जी लिक्विड होंगी है इको ही आ कि हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन का गैसियस फॉर्म है आयोडीन आयोडीन नहीं मैटल आ नॉन मैटल नहीं असी कहेंगे ब्रोमीन आयोडीन नॉन मैटल नहीं काउंट कर मैटल आ तो हेठले पास आ गई तो ब्रोमीन की है दैट इज की अपने को नॉन मैटल आ जी की लिक्विड फॉर्म है आयोडीन नॉन मैटल आ पर लिक्विड नहीं होती सॉलिड होंगी समझी गल आयोडीन सॉलिड फॉर्म मिलती है लिक्विड नहीं मिलती आयोडीन ब्रोमीन नॉन मैटल की होंगी सू लिक्विड फॉर्म च मिलती सॉलिड इन सॉलिड ये तो बहुत नहीं सॉलिड इन सॉलिड जिहड़ी ब्रास पित्तल आउंदी आ पित्तल दो सॉलिड का की होंदा मिश्रण होंदा गा ब्रोंज जिहड़ी आई वो की है दो चीज़ों का की है मिश्रण तो ब्रास ब्रोंज ये की ने सॉलिड च आप की घोल रहे हैं सॉलिड घोल रहे हैं एक धार दूजी धार च घोल दें आप जिदे नाल साडे कोल की बन जाती है अलॉय बन जाती है तो अलॉय ध्यान रखना क्वेश्चन आऊगा कि अलॉय की ने तो अलॉय साथियों की ने सोल्यूशन ने किहड़े सोल्यूशन ने सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन किहड़े है अलॉयज है अगे चल अगे की है साथियों असं पढ़ते हैं हूँ मात्रा कटनी अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर से बहुत आगे काम जरूगा असी की पता करनी है कि किन्नी मात्रा सल्यूट की घोली हुई है कि किसी सोल्यूशन
वो मात्रा पता कर, मात्रा पता करने के अलग अलग मैथड्स ने, कहना मतलब दो दिन तो सौखे ने, कुछ तो क्वेश्चन कभी आता नहीं है। जिहड़ा असी मैथड पढ़ना कि किन्नी मात्रा पाई हुई है सल्यूट की, किहदे विच सॉल्वेंट दे विच, वो मेन चार ने, चार तरह के मैथड पढ़ने ने अपना। पहला हैगा मोलैरिटी, पहला हैगा मोलैरिटी, दूजा हैगा मोलैलिटी, तीजा हैगा नॉर्मैलिटी, चौथा हैगा मोल्टी। ये चार मैथड ने जिहदे नाल असीं की पता कर सकते हैं कि सल्यूट की किन्नी मात्रा पाई हुई है, वो सल्यूट की मात्रा असीं पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फोर मैथड। पहला कहड़ा गा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, चौथा हैगा मोल फ्रैक्शन। सब तो पहला गल करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी की होंगी साथियों, यू पहली गल तो बड़ी एम ना डिनोट किया जाता, बड़ी एम की हैगी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर रखना। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर्स, असं ये ला के की पता कर सकते हैं, मोलैरिटी पता कर समझे गल। मेरा क्वेश्चन लिखो कापी से, तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, तो सवाल पता होना चाहिए। सवाल है मेरा, वी हैव We have 40 gram NaOH dissolved in a, we have 40 gram NaOH dissolved in 250 ml of solution। आज 40 ग्राम आते आज के 250 ml। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, करो बता साथियों। सवाल की आ, सुना नुमेरिकल आवगे अगे, कोई पेपर देवे अपना कॉम्पिटेटिव, चाहे क्वेश्चन आऊंगे, उसको पूछते हैं कि दसो की आता मोलैरिटी, ऐ नहीं क्वेश्चन आता, उन्होंने कहने सवाल सॉल्व करो मोलैरिटी तो करना की है। थोड़ा क्वेश्चन कि 40 ग्राम NaOH की पाया 250 ml की सोल्यूशन, क्या कि नहीं दी की पता करो मोलैरिटी पता करो साथियों। सानू पता कि NaOH, जे मोलैरिटी पता करनी है सानू पहला कढ़ने पैणगे मोल्स, कढ़ने पैणगे किहदे सल्यूट दे मोल्स किवें निकलदे हुंदे आ। सानू पता कि सोडियम का अटोमिक मास किन्ना हुंदा गा 23, सोडियम का अटोमिक मास किन्ना हुंदा 23, ऑक्सीजन का अटोमिक मास किन्ना हुंदा 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल चार तिना का मोलर मास कितना आ गया 4, मोलर मास कितना आ गया 4। जिन्ना किस चीज़ का मोलर मास आ जाए, जेकर असी उन्ने ग्राम चीज ले लीए, जिन्ना किस चीज़ का मोलर मास आ जाए, जेकर असी उन्ने ग्राम चीज लीए, यदा मतलब उस किन्ने मोल हो गए 1 मोल हो, यदा मतलब 40 ग्राम च किन्ने मोल ने 1 मोल, 40 ग्राम NaOH किन्ने मोल हो गए 1 मोल हो गए, तो 1 बटा इतने साथियों वॉल्यूम कि 250, पर मैं सोनू कहा कि वॉल्यूम लीटर च होना चाहिए, आ वॉल्यूम की चाहे मिली लीटर च, जे मिली लीटर तो लीटर बनाने हो साथियों असं करते कि अपने सवाल को 1000 नाल गुणा कर लें, 0 नाल 0 कटी गई, 25 × 25 = 100, एदा मतलब साढ़े कोले मोलैरिटी किन्नी आ गई 4 मोलर मोलैरिटी आ गई। तो मोलैरिटी हमेशा बड़ी एम के नाल डिनोट किया जाता, उत्तर किन्ना आ गया 4 बड़ी एम, साढ़ा की आ गया आंसर।
आला सवाल लिखो। सही कटे वी हैव 120 ग्राम 120 ग्राम CH3COOH वी हैव 120 ग्राम CH3COOH प्लस वन जब पढ़िया कि CH3COOH साथियों दो कार्बन आ गई दो कार्बन आ गई एक ही बन गया एथर ते COOH केड़ा रूप होना का OH वाला इहदा नाम की हैगा इथेनोइक एसिड भाभी इथेनोइक एसिड आ 120 ग्राम इथेनोइक एसिड इज एडेड इन 200 ml सॉल्यूशन 200 ml सॉल्यूशन फाइंड मोलैरिटी। सवाल की सी CH3COH सानू पता CH3COH दा मोलर मास कार्बन दा कितना होंदा 12 जोड़ 3 12 32 ते कितना हो गया 1 कितना हो गया टोटल 60 हो गया। इहदा मतलब साडे कोले दा मोलर मास आ गया कितना आ गया 60 60 ग्राम दे विच किन्ने मोल होणगे 1 मोल 1 ग्राम च किन्ने होणगे 1 बटा 60 किन्ने च पुछया सीगा 120 ग्राम च ता जिन्नेयां च पुछया होवे पहला 1 ग्राम च पता करके ओनु ओने नाल की कर ले गुणा कर लेगा एदा मतलब साडे कोले वैल्यू किन्ने मोल दी आ गई 2 मोल सानू लगी नहीं गल ना साडे कोले मोल किन्ने ने 2 बटा फार्मूला की है मोल बटा वॉल्यूम किन्ना गा 200 पर ये मिलीलीटर च मैं तेनु कह जे मिलीलीटर च होवे लीटर किवें बनेंगे जेकर गुणा कर लांगे इहदे नाल 1000 नाल जीरो कटियां गईयां 2 नाल 2 किन्ना बचया 10 इहदा मतलब साडे कोले मोलैरिटी किन्नी आ गई 10 मोलर मोलैरिटी आ गई। साथियों पहला मैथड सीगा दूजा मैथड किहड़ा गा मोलैरिटी ये दूजा मैथड आ की पता करना सल्यूट की मात्रा पता करना मोलैरिटी नू छोटी एम नाल डिनोट किया जाता छोटी एम आगे ध्यान रखो की है मोलैरिटी है बड़ी एम आई तो की है मोलैरिटी है छोटी एम का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट तो आप पहले सॉल्वेंट का मास पता करा उत्थे सीगा वॉल्यूम इत्थे हैगा मास मास ऑफ सॉल्वेंट किहदे विच किलोग्राम जे किलोग्राम ना हो तो आप की बनावे ग्राम बना कि बनावे 1000 नाल गुणा कर सवाल आ मेरा वी हैव 138 ग्राम 138 ग्राम K2CO3 138 ग्राम K2CO3 साथियों K2CO3 की होता है पोटाशियम कार्बन पोटाशियम कार्बोनेट इज एडेड इन 500 ग्राम वाटर सॉल्ट 500 ग्राम पानी तो आप पाया 30 ग्राम की पाई है पोटाशियम कार्बोनेट पाया बट इज मोलैरिटी किन्नी हो सानू पता कि पोटाशियम कार्बोनेट किन्ना गा K2CO2 पोटाशियम का एटॉमिक मास किन्ना गा 39 गुणा 2 कार्बन किन्ना 12 ऑक्सीजन किन्ना ने 3 16 गुणा 39 गुणा 2 78 जोड़ 12 जोड़ 48 78 ते 12 90 138 ग्राम 138 ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਮੈਂ 130 ਕਿਹਾ ਜੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਆ ਗਏ 138 ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਨੇ 1 ਮੋਲ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮੋਲ 130 ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ ਇਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਪਾਈ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ
ये 500 ग्राम चीज मैं सोल्यूशन पाई है तो पहला मैं थले मलैरिड की पाऊंगा सॉल्वेंट मैं किमें कढ़ूंगा सोल्यूशन सारा कि 500 ग्राम वो सल्यूट कि 138 तो 500 चौं 138 साथियों मैं करूँगा माइनस करता फिर वह वैल्यू पुट करूँगा समझे गल पर इतने मैं बोली है सूँ कि कि मैं चीज़ पा रहा 500 ग्राम की है सॉल्वेंट जे मैं ना बोलता इट मीन वैल्यू आनी सोल्यूशन की आनी सी सोल्यूशन चो 138 आप करते माइनस करते अपने की वैल्यू आनी सी सॉल्वेंट की वैल्यू आनी तो इतने भाई थोड़ा 500 इतने किलोग्राम आने ने गुणा करूँ कि 1000 जीरो कट गया 1 5 5 2 5 10 यदा मतलब साड़ी मोरैलिटी कि आ गई 2 मोलर कह मोलर उसी मोलर ही है मोलर तो 2 मोलर साड़ी कह गई मोरैलिटी आ तीजे नंबर चल रहे लिखो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन वट इज मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन की होती है एक्स ना डिनोट करते हैं बहुत सौखा एक्स की है मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट साथियों फार्मूला मोल फ्रैक्शन का क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन पुट करोगे सब की पता लगेगा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखो वी एडेड 80 ग्राम वाटर वी एडेड 80 ग्राम वाटर इन 124 ग्राम C2H6O2 एक पाया ना 80 ग्राम फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पहली गल तो पता चाहिए कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है जिहदी मात्रा घट टिकमें देखी है सोल्यूट आ की है सॉल्वेंट असं पहला 80 ग्राम वाटर के की बनावे मोल बनावे सानू पता पानी का फार्मूला की है H2 2+16 कि हो गया 18 ग्राम पानी के बिच किन्ने मोल ने 1 मोल 80 ग्राम च 1 ग्राम च 1/18 80 च आप नाल कर लेंगे देखो सॉल्व नहीं कर सकते पर 2 दे पार्ट कटा सकते हैं ना कितना हो गया 2 कितना बन गया 40/9 40/9 का किहदे मोल आ गई पानी हुण गल हैगी आ कि किहदे मोल दी सॉल्वेंट C2 भाव कि हो गया 24 6 जोड़ कि हो गया 32 यदा मतलब कि बन गया 62 ग्राम 62 ग्राम दे विच किन्ने मोल ने 1 मोल 1 × 1/62 124 पूछे सी 62 × 2 कि हो गया 2 लो जी मैं कुछ नहीं करना मोल ऑफ सोल्यूट कि आया 40/9 बटा मोल ऑफ सोल्यूट कि आया 40/9 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट कि ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी सी 40/9 थोड़ा जहा नॉन मेडिकल लाना होंगे 9 × 1 कि हो गया एलसीएम 9 जिन्ना एलसीएम आया उन्होंने गुणा करीदा होंगे 40/9 9 ते 1 एलसीएम कि हो गया 9 40/9 9 नाल एलसीएम किया कि हो गया 40 प्लस 2/1 9 नाल गुणा किया कि हो गया 18 40/9 / 58 बटे थले बटा हो गए तो 40/9 × 9/58 बटा थले बटा हो तो बटा उल्ट जाता हूँ आंसर कि आ गया 40/58 जी 20/59
सोल्यूशन इन अ लीटर। तो हम मोल की थान साथियों की आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। पहला किसी का मोल्स मोलैरिटी के नॉर्मैलिटी की फर्क है, उत्थे मोल है, इत्थे की है ग्राम इक्विवेलेंट। हम क्वेश्चन भी बट इस ग्राम इक्विवेलेंट किवें सॉल्व करांगे आप ग्राम इक्विवेलेंट। देखो पहली गल ग्राम इक्विवेलेंट किते निकलदे ने, हरेक चीज दे आपां ग्राम इक्विवेलेंट नहीं कढ सकदे, सिर्फ उन्होंने ही ग्राम इक्विवेलेंट कर सकते हैं जेडे दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं आयन की फॉर्म भाव जिसे पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज हो। जिमें एन ए सी एल जो तोड़ोंगे तो की बनूगा एन ए पॉजिटिव सी एल नैगेटिव। तो सिर्फ ये ही जिसे पॉजिटिव नैगेटिव आयन बनते हैं वो ही कि निकलते होंगे ने ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं। जो ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे यदा मतलब नॉर्मैलिटी भी सिर्फ कि निकलूगी उन्होंने जिसे की बनने पॉजिटिव नैगेटिव आयन बन। जे तुसी CaCl2 लेके चलो ता CaCl2 क्यों टुटदा गा Ca2 पॉजिटिव 2Cl एदा मतलब है दो की बन के पॉजिटिव आयन ते दो की बन के नेगेटिव आयन। तुसी एदी की कढ सकदे हो नॉर्मैलिटी कढ सकदे हो। पर मैं थोनू कहां H2 H2 दे ग्राम इक्विवेलेंट जां मैं थोनू कहां O2 O2 दे ग्राम इक्विवेलेंट कढो। सानू पता O2 आयनिक बॉन्ड नाल नहीं बनी हुई, प्लस वन पढ़िया सी आपां कि दो तरह की बॉन्डिंग होंगी है, जो कोवालेंट बॉन्डिंग होंगी है जो आयनिक बॉन्डिंग होंगी है। जेकर बॉन्डिंग आयनिक आ हुण एन ए सी नाल जुड़े हुए कोवालेंट नाल नहीं आयनिक नाल जुड़े हुए तो इन्हां दी ग्राम इक्विवेलेंट कर सकदा। पर ओ टू जो जुड़िया होया वो ओ ते ओ तो मिलकर बनया, ये तो कोई पॉजिटिव नैगेटिव नहीं। तो पहली गल इहदा मैं की नहीं कर सकता नॉर्मैलिटी नहीं कर सकता, समझे गल नूं। हुण पहली क्वेश्चन है किवें निकलदे ग्राम इक्विवेलेंट किमें निकल गए, सौखी गल ही है की करांगे असी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरे को मान लो एन ए सी एल एन ए सी एल थोनू पता एन ए का एटोमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 56.5। तो 56.5 की हो गया मोलर मास हो गया, मोलर मास हो गया। बस एको स्टैप करना, ध्यान मेरे कन्ने रखना, एको स्टैप करना। जो तुम यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट कढ़ोगे थोनू पता एन ए पॉजिटिव सी एल नैगेटिव चों की निकलता एन ए पॉजिटिव सी एल नैगेटिव भाव की निकलूगा एक पॉजिटिव तो की निकलूगा एक नैगेटिव आ निकलू। असी जिन्ना मोलर मास आ गया उन्होंने की करांगे, जिन्ना पॉजिटिव निकलते हैं असी उहदे नाल की करांगे डिवाइड करांगे। ये हूँ एको ही सगा तो पहला किन्ना डिवाइड किया एक नाल की कर लिया डिवाइड कर लिया। हूँ इन डिवाइड कि बन गया 56.5। हूँ मोलर नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि बन गया ग्राम इक्विवेलेंट बन गया, एक ही बन गया ग्राम इक्विवेलेंट बन गया। की गल हूँ मैं जी कहना भी इतने मेरे को सपोज करो मेरे को 200 ग्राम सी ए सी एल टू है, मैं कह कि दसो भी ग्राम इक्विवेलेंट कितने हुए 200 ग्राम सी ए सी एल टू। सानू पता कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता 40, क्लोरीन का कितना होता 35.5, दो का कितना हो गया 72, 40 कितना हो गया 121 की हो गया अपने को मोलर मास, 121 मोलर मास हो गया। सानू पता सी ए सी एल टू च किन्ने दो पॉजिटिव ते की बनते हैं दो नैगेटिव बनते हैं। जे दो पॉजिटिव बनते हैं पहला मैं इन करूँगा दो नाल डिवाइड करूँगा ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 60.5। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਪਰੈਂਟ 200 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ 121 ਨਾਲ ਨਹੀਂ 60.5 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਟਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ।